नमस्कार दोस्तों, मैं इनपुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जियो फाइनेंस के बारे में। अगर जियो फाइनेंस की बात की जाए, 230 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक आज क्लोजिंग देते हुए दिखा, कोई खास मूव नहीं आया है, फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, 1/4% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग आ गई है। कमाल की बात देखिए, और स्टॉक मार्केट को कैसे लोग जज करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाओगे। जब जियो फाइनेंस का शेयर बाजार में लिस्ट हो रहा था 21 अगस्त 2023 को, एक महीने पीछे, तो लोगों का विचार यह था कि बजाज फाइनेंस तो गयो, और बजाज फाइनेंस का शेयर भी 200-250 रुपए टूट गया था कि जियो फाइनेंस आ रहा है हमारे कारोबार में, हमारे कारोबार को हिला के रख देगा। लोगों के कमेंट थे, अरे मोटा भाई उतर गए, ये तो रॉकेट हो जाएगा, बजाज फाइनेंस तो गयो, अब छोड़ दो बजाज फाइनेंस, सब बेच दो। ये टिप्पणी बन गई लोगों की, और जियो फाइनेंस का शेयर 261 रुपए पे लिस्ट हुआ और अगले 5 दिन तक लोअर सर्किट लगाता रहा। लोगों का कॉन्फिडेंस बजाज फाइनेंस से तो हिला या नहीं हिला, लेकिन जियो फाइनेंस से हिल गया। अब जियो फाइनेंस का शेयर गिरने लगा। नेक्स्ट वीक जब वो भागना शुरू हुआ 202 रुपए का लोअर सर्किट लगाने के बाद, तो 266 रुपीज तक 5 दिन में भागा, यानी नीचे से लगभग 30% की तेजी। फिर लोगों ने एक नारा लगाया कि बजाज फाइनेंस तो गयो, बजाज फाइनेंस की जिंदगी खत्म कर देगा, जियो फाइनेंस खरीदो, आप आगे सिर्फ यही पैसा बना के देगा, 400 रुपए हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, इस तरीके से कमेंट आए। इस बीच में मैं भी आप सभी के साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा था कि जियो फाइनेंस के स्टॉक पे आपको व्यू पॉजिटिव रखना है। 220, 210, 200 रुपए पे हमने आपके साथ सजेस्ट करा खरीदने को, 266 रुपए पे आपके साथ ये भी कहा था कि चाहो तो हल्का फुल्का बुक कर लो, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में 300-350 रुपए जाएगा ये शेयर, आपको डेफिनेटली बड़े समय में पैसा बना के देगा, और बहुत लॉजिकल रीजन दिए जो अभी इस वीडियो में भी दूंगा। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है, किस हिसाब से लोगों का व्यू बदलता है, आज की डेट में लोग क्या कह रहे हैं, और कल स्पेशली क्या कहा, जब बजाज फाइनेंस रॉकेट हो रहा था ना 5%, जियो फाइनेंस तो गयो, बजाज फाइनेंस ने जियो फाइनेंस को खत्म कर दिया, जियो फाइनेंस कुछ नहीं कर पाएगा, बजाज फाइनेंस का बड़ा प्लान। देखिए सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, बजाज फाइनेंस लीडर है अपने सेक्टर में करंटली, और जियो फाइनेंस के जो नाम है ना, जो मैनेजमेंट है ना, जो नाम जुड़ा हुआ है उस कंपनी से, वो अपने आप में पूरी इंडिया का लीडर है। तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस है इस बंदे से, मोटा भाई से शॉर्ट में बोलूं तो, यानी कि मुकेश अंबानी जी से, कि ये इस कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं, कोई जियो सिम को जानता नहीं था ना, क्या हुआ जब उसने बाजार में कदम रखा, पूरी मार्केट हिला के रख दी, सारे प्लेयर खत्म कर दिए, ऑलमोस्ट एक ही प्लेयर टिका रहा, वो था भारती एयरटेल, और आज भी टिका है, आज भी उसकी रिस्पेक्ट पूरी, और स्पेशली तो नहीं कहूंगा, मैं भी एयरटेल की सिम यूज करता हूं, और मैंने आज तक जियो की सिम यूज नहीं करी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जियो के और एयरटेल में अपने आप में कंपैरिजन है, अपने आप में कंपटीशन है, लेकिन ये दोनों लीडर बने पड़े हैं। सेम चीज क्या है, एक भारतीय एयरटेल पहले से था, बजाज फाइनेंस पहले से है, जियो नया ओवर क्या है, यहां भी जियो फाइनेंशियल नया है, लेकिन ये लीड करेगा मार्केट को, ये दुनिया मान चुकी है, बड़े एनालिस्ट मान चुके हैं, इसीलिए इस पे लेकर सब बुलिश है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा ये गलत बात थी, उस समय भी और अभी भी कॉम्पिटिशन टफ आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा बुलिश होना भी ठीक नहीं है जियो फाइनेंस पे, कॉम्पिटिशन टफ तब आएगा जब जियो फाइनेंस की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आएगी, तो अभी केवल और केवल इंतजार करना है, अनाउंसमेंट आने दो, मोटा भाई की तरफ से भी उन्होंने एक ही अनाउंसमेंट करी अभी तक कि हम एएमसी कारोबार के लिए ब्लैक रॉक के साथ टाई अप कर रहे हैं, तो अपने आप में सबसे बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करा उन्होंने। सेम एनबीएफसी कारोबार के लिए भी कंपनी के कुछ ना कुछ बड़े प्लान डेफिनेटली आएंगे, जो कि बजाज फाइनेंस को टफ कॉम्पिटिशन देंगे। और ये क्या होगा, अब कॉम्पिटिशन कैसे होता है, ऐसे तो होगा नहीं चल चल तेरे ग्राहक हम लेते हैं, कॉम्पिटिशन अभी बजाज फाइनेंस इंटरेस्ट दे रहा है मान के चलो 12% का, जियो कह रहा है हम 10% ही लेंगे, अपने आप मार्केट शिफ्ट हो जाएगा। जियो अपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको सैलरी ज्यादा दे दे, तो जो बजाज फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं शायद वो शिफ्ट होके इधर आके इनकी एडवर्टीजमेंट ज्यादा करें। अलग अलग तरीके होते हैं कंपनी के, पहले मार्केट को खराब करने के लिए मोटा भाई डेफिनेटली बड़े बड़े प्लान लाएंगे, सस्ते सस्ते और अच्छे अच्छे, जो अट्रैक्ट कर लेगा पब्लिक को, और एक बार बेस क्रिएट हो गया फिर तो कंपटीशन में आ गए ना मार्केट में, आप फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलेंगी चीजें।
तो सिंपल सी बात है, बजाज फाइनेंस के निवेशक बजाज फाइनेंस में निवेशित रहे और जियो फाइनेंस के निवेशक इंतजार करें, पैसा यहां आपका बनेगा ही बनेगा। दोनों कंपनियां अपनी अपनी जगह बेस्ट है, एक ऑलरेडी है और एक बनेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन खरी उतरेंगी आपको, ये मैं कह सकता हूं आपकी। बजाज फाइनेंस के लिए कॉम्पिटिशन अभी नहीं दिखे, दिखे ना दिखे, लेकिन आगे आएगा, ये भी मैं आपके साथ कह सकता हूं। तो आपको सिंपल, दोनों के निवेशक अलग अलग हैं, दोनों को बने रहना है, इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरी तरफ से ये पूरी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।